शरीर का ढांचा बनाए का ये बहुत ही अद्भुत तरीका हुए। एकरे खातिर आप लोगों के आधा A4 साइज का पेपर लगी, पेंसिल, कैंची, ब्लेड और गोंद लगी। सबसे पहले आधा A4 साइज का पेपर ले लें और ओके 8 बराबर के हिस्सा में काट लें। आप लोग देख सकते हैं जा केत तरह और केत में कैसा हवे। अब एगो पेपर लें, ओके बीच में मोड़ लें और ऊपर आधा मुंडी बना लें। मुंडी का बाहर का हिस्सा, आँख, नाक और मुंह। सबसे पहले मुंडी का बाहर का हिस्सा फिर कैंची से काट लें, ओकर आँख, नाक और मुंह भी काट लें। ऐसा कटले के बाद, छटले के बाद आप लोग देख सके नहीं जाए कैसा दिखेला। खोलने के बाद ये आदमी का मुंडी के जैसा नहीं दिखेला। दूसरा हिस्सा लेके ओके मोड़ लें और फिर एक चौथाई में वापस मोड़ लें। मोड़ने के बाद ओकरे को कोना में सीधा लाइन मार लें और ओके 9 हिस्सा में हॉरिजॉन्टल या सीधा काट लें वो पेंसिल के मार्क तक। आप लोग देख सके नहीं जा कित तरह। ऐसा कटले के बाद एगो छोड़ के दूसरा हिस्सा काट के निकाल लें। ये खुलने पे छाती का हड्डी जैसा दिखी। अब तीसर कागज लें और ओकर एक छोर तनी सा काट लें। ओकरे बाद ओके आधा मोड़ें और फिर ओके एक चौथाई में मोड़ लें। ऐसा कैले के बाद ओके आधा में काट लें। अब ओकरे बाद दू गो छोट हिस्सा अपने ढांचा का ऊपर का हाथ बन जाए। अब बचल बैल हिस्सा के वापस आधा में मोड़ें और ओकरे बाद बीच में से को खाँचा काट लें और ओकरे बाद बीच में से काट लें। अभी अपने हाथ का नीचे का हिस्सा बन गई। आप लोग देख सकें जा कटले के बाद ही कैसा दिखेला। एक अंग्रेजी में उलना और रेडियस बोलल जाला। अब दूसर पेपर लें और ओके आधा मोड़ लें और ओके अंदर पेल्विस का आधा हिस्सा बना लें और फिर दुगो छेदा मार लें और फिर ओकर कोना काट लें। आप लोग देख सके नीचे के तरह। बाहर का हिस्सा कटले के बाद बीच का दोनों गोल हिस्सा भी काट लें। ओकर खोलने के बाद ई लगभग तितली के जैसा दिखेला। ई पैके पेल्विक गर्डल बोल जाला। आप लोग देख सके नीचे कैसे दिखा था। अब एक बाद दूसर हिस्सा लेके वापस लंबा दिशा में ओके आधा मोड़ लें। ओकरे बाद एक चौथाई में मोड़ लें। ऐसा कैले के बाद ओके आप बीच में से काट लें। ओकरे बाद बीच का मॉडल भेल हिस्सा ले लें। ऐसा कैले के बाद कटल भेल दूगो हिस्सा ई अपने पाँव का दूगो हिस्सा बन जाए और ओकरे बाद बसल भेल हिस्सा के वापस बीच में मोड़ लें। वापस पहले के जैसे कि बीच में से को खाँचा मार लें और ओके खोल के वापस बीच में से काट लें। ऐसा कैले के बाद ये अपने पाँव का नीचे का हिस्सा बन जाला, जैके हम लोग अंग्रेजी में टिबिया और फिब्यूला बोले नीजा। अब एक दूसर कागज लेके ले लें और ओके लंबा दिशा में आधा मोड़ के ऐसा आकार बना के ओके काट लें। ये अपन नीचे का पाँव हो गई। अब फिर से दूसरा हिस्सा लेके ओके मोड़ लें और ऊपर अपन हाथ बना लें। हाथ बनाने के बाद ओके कैंची से काट लें। आप लोग देख सके नहीं जा कि कैसा दिखेला कटले के बाद। अब पाँव का हिस्सा और हाथ का हिस्सा आजू बाजू में रख के ओकरे छोर पे हल्का सा गोंद लगा के ओके चिपका लें। आप लोग देख सकते हैं जा कि हम लोग कित तरह करते हैं जा। सबसे पहले हम लोग शरीर का नीचे का हिस्सा मतलब पाँव बना लें जा, पाँव और ओकर ऊपर का हिस्सा। ओकरे बाद हम लोग हाथ बना लें जा। अब एगो पेपर का लंबा स्ट्रिप ले लें और ओकरे ऊपर छोड़ के गोंद लगा के अपन मुंडी ऊपर चिपका लें। फिर तनी सा नीचे अपन छाती का हड्डी चिपका लें ऊपर। फिर हाथ के ऊपरी हिस्सा पे गोंद लगा के अपने छाती के हड्डी के यहाँ ओके नीचे से चिपका लें। आप लोग देख सके नीचे के तरह। ओकरे बाद सीधा पट्टी के तनी सा नीचे गोंद लगा के अपन तितली के आकार का पेल्विक गर्डल लगा लें। ओकरे बाद पाँव के ऊपर के हिस्सा के गोंद लगा के ये अपने पेल्विस के चिपका लें। आप लोग देख सके नीचे के तरह। ओकरे बाद लंबा पतील हिस्सा कागज का नीचे से छाट ले जोन अपन टेल बोन हवे। अब एक आप दूर से देखें जा तो आप लोगों के लगी कि शरीर का ढांचा एकदम तैयार हवे और आप लोगों के सामने हवे। आप लोग देख सके नहीं जाए कैसे दिखेला। एक आप लोग ऊपर धागा लगा के टांग भी सके नहीं जा और ये दिखले में भी बहुत अच्छा लगेला। बच्चन के आप लोग खिलौना के जैसे दे सके नहीं जा खेले खातिर।